दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, शायद ही आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मोहम्मद अज़ीज़ साहब के कुछ यादगार तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही कम लोगों ने इन तस्वीरों को देखा होगा। दोस्तों, इन तस्वीरों के अंदर मोहम्मद अज़ीज़ साहब आप लोगों को स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाई देंगे, रिहर्सल करते हुए दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले नंबर पर हमारा ये तस्वीर है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, ये तस्वीर जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तस्वीर सन 1983 का है। मोहम्मद अज़ीज़ साहब आप लोगों को गाना लिखते हुए नज़र आ रहे होंगे। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हाथ में एक पेन है और एक कॉपी है, उस पर मोहम्मद अज़ीज़ साहब गाना लिख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है दोस्तों। मोहम्मद अज़ीज़ साहब के ऐसे बहुत सारे यादगार तस्वीरें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, ये स्टूडियो के ही रिकॉर्डिंग के दौरान का तस्वीर है, सन 1983 का है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। और दोस्तों, अब जो आप लोग तस्वीर स्क्रीन पर देखने वाले हैं, ये तस्वीर सन 1984 का है। दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब गाना रिहर्सल करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और मोहम्मद अज़ीज़ साहब के रिहर्सल करने का अंदाज़ बिल्कुल ही अलग हुआ करता था, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर। और दोस्तों, ये तस्वीर जो आप लोगों को स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, ये तस्वीर सन 1985 का है। मोहम्मद अज़ीज़ साहब स्टूडियो के अंदर गाना गाते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सामने माइक है और एक पेज लगा हुआ है जिसके ऊपर गाना लिखा हुआ है, और मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने एक चश्मा भी पहना हुआ है। दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है मोहम्मद अज़ीज़ साहब का। इस तस्वीर का भी जितना तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, अब जो आप लोगों को ये तस्वीर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तस्वीर सन 1990 का है। एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद अज़ीज़ साहब का ये तस्वीर निकाला गया है। दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को सिंगर भी दिख रहे होंगे और म्यूज़िक डायरेक्टर भी दिख रहे होंगे। ये भी एक बहुत ही यादगार तस्वीर है। अब आप लोगों को जो तस्वीर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तस्वीर एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के दौरान निकाला गया है। दोस्तों, ये तस्वीर सन 1991 का है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और मोहम्मद अज़ीज़ साहब गाना गाते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे ना जाने कितने तस्वीरें हैं मोहम्मद अज़ीज़ साहब के, एक एक करके बताना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँगा, उन तस्वीरों को आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और दोस्तों, अब जो आप लोगों को ये तस्वीर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तस्वीर सन 1993 का है। एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बाद इस तस्वीर को निकाला गया है। मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने गाना रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद ये तस्वीर निकाला गया है। दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब इस तस्वीर के अंदर कितने अच्छे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो ये तस्वीर बहुत ही पसंद है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और तस्वीर दिखा दूं। और ये तस्वीर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बाद निकाला गया है। मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने गाना रिकॉर्ड कर दिया था, उसके बाद ये तस्वीर निकाला गया है। ये तस्वीर सन 1996 का है और इस तस्वीर के अंदर भी मोहम्मद अज़ीज़ साहब मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब हर एक तस्वीर पर मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये शानदार तस्वीरें आप लोगों को कैसे लगे, इन तस्वीरों के बारे में आप लोगों का क्या राय है? ये यादगार तस्वीरों का पार्ट टू वीडियो है दोस्तों। मैंने इसका पार्ट वन भी बनाया था, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर मैंने पार्ट वन में भी दिखाए हैं दोस्तों। ये शानदार तस्वीरें आप लोगों को कैसे लगे, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।